हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहाँ गए थे आप? दिल्ली में कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? कहाँ गए? कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप? संदीप, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपसे, बहुत बड़ा आप आरोप लग रहा है आप पे, ड्रग डीलिंग का आरोप लग रहा है। संदीप खोलिए मुंह, खोलिए, कहाँ से बताइए, बताइए कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं संदीप? कहाँ से आ रहे हैं बताइए, बताइए। आप सुशांत के दोस्त थे? आप सुशांत के दोस्त थे? आप दोस्त थे ना सुशांत के? आप सुशांत के दोस्त थे? नहीं, आप बताएंगे, आप बताएंगे क्या? नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। जवाब तो दीजिए, जवाब तो देना पड़ेगा। नेशनल चैनल पर है आप, एबीपी न्यूज एक नेशनल चैनल पर है, आपको बताना पड़ेगा। जवाब तो दीजिए, आपको लेकर बहुत बड़े सवाल। जवाब दीजिए, बताइए आप लोग। बताना पड़ेगा ना, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप सुशांत से एक साल से बात नहीं कर रहे थे? आप क्यों बात नहीं कर रहे थे? आप ये बताइए कि क्या एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी लगातार? एक बार बात तो कीजिए, सुशांत आपका दोस्त था, उसके बारे में बड़ा कुछ नहीं कहेंगे हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ नहीं कहेंगे आप? संदीप, इतना बड़ा हादसा हो गया, वो आपका दोस्त था, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बताइए ना, एक शब्द नहीं बोलेंगे? सीबीआई ने आपको बुलाया है? मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी आपसे? सीबीआई ने आपको बुलाया? दो मिनट के लिए संदीप बात तो कर लीजिए, एक बार आप नेशनल चैनल पर, एक बार बात तो कर लीजिए, कुछ बात तो कह दीजिए संदीप। कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे संदीप? कुछ नहीं, क्या सीबीआई के सामने भी ऐसे ही चुप रहेंगे आप? संदीप, इतना बड़ा सवाल उठ रहा है आपको लेकर, क्या ड्रग्स देने में आप भी हैं? क्या रिया चक्रवर्ती के साथ आप भी शामिल है? क्यों आखिर आप दूर हो गए एक साल से? क्यों ड्रग्स के वाले मामले में आपका नाम आ रहा है? दो मिनट रुके ना संदीप, संदीप संदीप सुनिए, संदीप 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 सुनिए ना संदीप, संदीप 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 संदीप, अरे नेशनल चैनल पर है, दो अपने दोस्त के बारे में दो शब्द तो बोल दीजिए। आपका दोस्त था सुशांत, उसके बारे में दो शब्द तो बोल दीजिए कैमरे पर। क्या क्या कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? गए कहां थे दिल्ली, ये तो बता दीजिए कहां गए। चैनल पर है संदीप, दो मिनट अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्या? बड़ा हादसा हो गया, आप पूरे समय अंतिम समय में साथ थे, आप अंतिम संस्कार में थे, एम्बुलेंस से लगातार आपकी बात, एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी, और अब तो ड्रग्स डीलिंग की भी बात आ गई है संदीप। रिया जो है वो तो ड्रग्स की भी बात आ गई है कि उसे दवाई के रूप में ड्रग्स दे रही थी, तो क्या कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि ड्रग्स ले रहा है वो और दवाई के रूप में उसे दिया जा रहा है? कभी आपको कुछ साझा नहीं किया, आप उसके मित्र हैं? संदीप, सुशांत इतना परेशान था, उसके बारे उसने कुछ नहीं बताया आपको, वो क्यों परेशान था, क्या वजह थी, कुछ नहीं बताया उसने? कुछ तो बोलिए अपने दोस्त के बारे में। सीबीआई भी तो बुलाएगी आपसे, बोलना तो पड़ेगा आपको, कुछ तो बोलिए संदीप। पूरा देश आप पर सवाल उठा रहा है, अब ये अब बात पीछे हो गई कि आप सुशांत के कभी दोस्त थे, उसकी खुदकुशी के बाद तो आपको देने होंगे। उसकी खुदकुशी के बाद संदीप आपसे पूरा देश सवाल पूछ रहा है, और सुशांत के वो लाखों फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप एक साल से संदीप से बात नहीं कर रहे थे, जैसा कि कॉल डिटेल बता रहा है, सुशांत से बात नहीं कर रहे थे। संदीप, ये पूरा देश देख रहा है, आप सोच रहे हैं, और आपके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुशांत आपका दोस्त था संदीप, कहीं ना कहीं वो भी देख रहा है आपको, वो भी देख रहा है, आप बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, वो देख रहा है आपको। गलती हो गई, कहां चूक हो गई कि सुशांत को ये कदम उठाना पड़ा? संदीप, कहां गलती हो गई, कहां गलती हो गई, बोलेंगे आप? कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे आप? गलती कहां हो गई? जी आप लोग इनके फ्रेंड हैं? दिल्ली में कहाँ गए थे? संदीप दिल्ली से लौटे हैं, और मुंबई के एक बहुत बड़े मसले पर संदीप को
अब सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। संदीप यहां खड़े हैं, पिछले 20 मिनट से हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या सुशांत की खुदकुशी के बाद आप जो उनके दोस्त हैं क्या आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं लेकिन संदीप कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, संदीप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मनोज आपने भी सवाल किया, क्या लग रहा है ये चुप्पी? संदीप को मेरे हिसाब से बोलना चाहिए। सुशांत सिंह इनका दोस्त था, इनका हमराज था, ये भी उनके हमराज हैं, तो मुझे लगता है कि इनको बोलना चाहिए लेकिन ये बात नहीं करना चाहते हैं। और ये चुप्पी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सवाल हम ही नहीं पूरा देश भी पूछ रहा है और सीबीआई भी पूछेगी। संदीप एक शब्द नहीं कहेंगे, एक बार फिर से अब एक शब्द नहीं कहेंगे, अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सुशांत क्या ड्रग्स लेता था? रिया देती थी ड्रग्स उसको? संदीप बहुत कुछ जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ये कदम उठाया? संदीप कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि अब वो डिप्रेस है, वो फिल्म में काम नहीं करना चाहता है। नीरज ने अपने बयान में कहा है बहुत सारी परेशानी थी सुशांत को, क्या कभी आपसे वो साझा नहीं किया? आप तो लगातार उसे आप उसके दोस्त रहे हैं संदीप, आप अंतिम समय में पूरे अंतिम संस्कार में आप शामिल रहे हैं। संदीप आप कुछ बोलना नहीं चाहते, आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना चाहेंगे? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर संदीप, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना चाहेंगे? 15 मिनट से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं संदीप, ये है चुप्पी और ये चुप्पी बताती है। 15 मिनट से हम सवाल पूछ रहे हैं। मोहित और राजेश जी फोकस करिए केवल इस तस्वीर पर, इसलिए फोकस करिए क्योंकि संदीप अपने दोस्त की खुदकुशी मामले में जब पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में क्या सवाल नहीं उठता मनोज कि संदीप की ये चुप्पी बहुत बड़ी बात कह रही है? बहुत बड़ी बात कह रही है संदीप की ये चुप्पी, और मुझे लगता है कि संदीप को बोलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत संदीप के दोस्त थे और संदीप के ऊपर अब बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। अब जो ड्रग्स का मामला सामने आ गया है उसको लेकर भी आरोप लगेंगे और सीबीआई भी पूछताछ के लिए संदीप को बुलाएगी। फिर हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी में, ये देखिए संदीप बैठे हुए, एक बार फिर हम इनसे कोशिश कर रहे हैं कि ये बात करें लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, और यही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर संदीप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या संदीप को बात नहीं करना चाहिए? क्या संदीप को इस तरह से चुप होकर मनोज यहां से चले जाना चाहिए? हमने पीछा किया, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और लगातार संदीप पर अगर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं मनोज तो सवाल पूछना लाजमी है, भले यहां से लाजमी है लेकिन संदीप अब जो है कि यहां से देखिए कोशिश हमने पूरी की 15 मिनट तक संदीप से, गाड़ी रुकती है तो हम कोशिश करेंगे कि संदीप से बात हो क्योंकि मनोज पूरा देश जानना चाहता है कि संदीप कहां जा रहे हैं, संदीप क्यों गए थे दिल्ली। ज्ञानेंद्र संदीप भी दे सकते थे लेकिन ये हम इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि संदीप के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, संदीप से जो सवाल पूछ रहा है देश, उस सवालों के जवाब हमें चाहिए। और आप कहीं भी भागिए, कितने भी चुप रहिए, लेकिन एबीपी न्यूज सवाल पूछेगा और संदीप को जवाब देना पड़ेगा। मनोज बिल्कुल, संदीप को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल संदीप जरूर सामने आएगा और सवालों के जवाब जरूर देगा और यही हमारी कोशिश लगातार रहेगी। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा और कैमरे के पीछे राजेश कुमार, मोहित कासले के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज मुंबई।